धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायक पद की उम्मीदवार तारा देवी के समर्थन में विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार विकास के नाम पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एयरपोर्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता के बीच मुहैया करवाएगी। अब किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड की पावन धरती देवघर में एम्स बनने के बाद लोगों की लाइलाज बीमारी की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी और एयरपोर्ट भी देवघर में ही बना है। ऐसे में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो धनबाद और भी विकास की ओर अग्रसर होगा। और एक एक मेडिकल कॉलेज को मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए भिजवाया है। मेडिकल कॉलेज दुमका में खुला है, हजारीबाग में, पलामू में, कोडरमा में, चाईबासा में, और आप तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हम 10 नए मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे, ये भी हम आपको विश्वास। मित्रों, बैद्यनाथ धाम के लिए, विकास के लिए 4 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार क्या है, तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के उलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी खूंटी से हुई। यानी झारखंड को मुख्य धारा में रखने का काम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको आगे बढ़ाया। आज हमारे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय के अध्यक्ष जी आए हुए हैं हमारे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, तो हर तरफ से पूरे जनता से, पूरे सिंदरी विधानसभा सुदूर सुदूर गांवों से, सभी गांवों से यहां पे जो है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता, देवतुल जनता उपस्थित थे। उन्होंने बारीकी से उनके जो है कि भाषण को सुना, उनके विचार को सुना, और सभी एक स्वर में बोले कि सिंदरी विधानसभा में कमल को खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनाना है। इसमें कोई दो मत नहीं है, हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। आज 4 साल में जो जनता ने झेला है उसका मुंहतोड़ जवाब वो वोट देकर करेंगे, और कमल छाप में वोट देकर वो मुंहतोड़ जवाब देंगे।